स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस आयोनिक बॉन्ड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड व्हाई दैट एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल ठीक है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड ठीक है उसी टाइप्स ऑफ बॉन्ड को और थोड़ा आगे ले जाते हुए हम आयोनिक बॉन्ड का फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड को आज डिस्कशन करेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या था भाई आयोनिक बॉन्ड क्या था बॉन्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन ठीक है यहाँ क्या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ठीक है इसको बोलते थे हम आयोनिक बॉन्ड आज देखते हैं कौन सा फैक्टर है जो हमारा आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करता है ठीक है पहला फैक्टर है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन एंड लैटिस एनर्जी ठीक है फोर्थ फैक्टर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन एंड लैटिस एनर्जी ये फोर्थ फैक्टर हमारा आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करते कैसे करते उसको आज डिस्कशन करेंगे ठीक है पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो आयनिक बॉन्ड क्या है कैटायन एंड आनायन के बीच में बॉन्ड है कैटायन एंड आनायन के बीच में बॉन्ड है ठीक है जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा तब क्या होगा भाई जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा आयोनिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज होगा ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज होगा तो आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयोनिक बॉन्ड भी बनाने का जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगा ठीक है देखो एट द वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर आर इंक्रीज ठीक है एंड द आयोनिक कैरेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज जितना डिफरेंस इंक्रीज होगा उतना क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर उतना इंक्रीज होगा ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना इंक्रीज होगा हमारा आयोनिक कैरेक्टर उतना इंक्रीज होगा तो आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतना सही से मतलब आयोनिक बॉन्ड जल्दी फॉर्म होगा ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं इसीलिए हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेवर्स आयोनिक बॉन्ड समझ में आएगा हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि जितना डिफरेंस होगा देखो ये जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है कैसे देखो आयोनिक बॉन्ड का यदि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने क्या बोला अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और लेस देन 1.7 होगा तो क्या हो जाएगा भाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है जीरो से 1.7 के बीच अगर ग्रेटर देन 1.7 होगा तब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो जितना ज्यादा ये वैल्यू डिफरेंस इंक्रीज होगा तब उतना जल्दी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है तो आयोनिक बॉन्ड को क्या फेवर करता है हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यह था पहला फैक्टर सेकेंड फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन ठीक है देखो आयोनिक बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए मान लो ए था ए एंड बी दोनों को आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करना ठीक है ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मान तो मान लो एक को कैटायन फॉर्म करना है एक को ए प्लस फॉर्म करना है एक को बी माइनस फॉर्म करना है तो एक न्यूट्रल एटम से कैटायन फॉर्म करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर होगा उसको क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी तो ये जितना लेस होगा आयोनाइजेशन एनर्जी जितना लेस होगा हमारा न्यूट्रल एटम से कैटायन उतना जल्दी फॉर्म होगा ठीक है अगर आयोनाइजेशन एनर्जी मान लो आयोनाइजेशन ज्यादा चाहिए तो कैटायन जल्दी फॉर्म नहीं होगा ठीक है ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कैटायन फॉर्म करने के लिए लेकिन अगर लेस एनर्जी चाहिए तो जल्दी हमारा कैटायन फॉर्म हो जाएगा क्योंकि लेस एनर्जी देना पड़ेगा समझ में आ रहा है हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है तो क्या होगा लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन फेवर्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक है एट द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली टू फॉर्म कैटायन दिस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड ठीक है इसलिए लो आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन ठीक है न्यूट्रल एटम से कैटायन फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी हम बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन ठीक है देखो ए बी वही दोनों आइटम लेते हैं मान लो बी से आनायन फॉर्म करने के लिए एक न्यूट्रल एटम से आनायन फॉर्म करने के लिए जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है तो द एबिलिटी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन उतना हाई होगा ठीक है इसीलिए तो हैलोजन का इसीलिए तो हमारा क्लोरीन सबसे क्या है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है
हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री जनरल ज्यादा क्यों होता है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है, और ऑक्टेट के लिए उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन को पाने का जो चाहत है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पाने को जो तड़प है ठीक है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो कहने का यही मतलब है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा वो इजीली हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो आनायन जल्दी फॉर्म होगा, आनायन जितना जल्दी फॉर्म होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो मददगार होगा। ठीक है, इसीलिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन, समझ में आएगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लैटिस एनर्जी। The energy required to separate, completely separate one mole of ionic solid compound into gaseous constituent ions, or the energy released while making one mole of ionic compound from its gaseous constituent ion is known as lattice energy. तो ये क्या होगा, high lattice energy होना चाहिए। ठीक है, high lattice energy होगा तो क्या होगा, देखो ये क्या, the energy required to completely separate one mole of ionic compound into gaseous constituent, तो जितना ज्यादा lattice energy होगा मतलब क्या, उतना stronger हमारा ionic bond होता होगा। ठीक है, तो इसलिए हाई लैटिस एनर्जी। तो फोर्थ फैक्टर, हाई डिफरेंस इन, क्या समराइज कर लेते, हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मान लो कैटायन। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन एंड हाई लैटिस एनर्जी, ये फोर फैक्टर हमारा क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। अगर ऐसा ही रहेगा तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को एनहेंस करेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, अब देखते हैं लैटिस एनर्जी। सर आपने डिस्कशन कर लिया, अब नाउ हमने तो लैटिस एनर्जी डिस्कशन कर लिया, लाओ वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी, कौन सा फैक्टर हमारे लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करता है। ठीक है, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड साइज ऑफ एटम, इसको स्टार मार्क करके रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग भी वो चारों याद रखना है। दे देगा भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, वो एक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड साइज ऑफ एटम, इसको भी स्टार मार्क करके रख लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, देखो पहला फैक्टर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है भाई, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा हमारा लैटिस एनर्जी उतना होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, हमारा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर कंपेयर करेंगे NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, Cl- तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन कैटायन क्या किया, Na+, Mg2+ एंड Al3+, चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, हेंस लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो और भी एक देखो, NaCl, CaCl2, MgO, यहां पर भी लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना इंक्रीज होगा लैटिस एनर्जी उतना इंक्रीज होगा, तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बहुत बार यही क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट फैक्टर साइज ऑफ एटम, देखो लैटिस एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा हो जाता है लैटिस एनर्जी उतना डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर कंपेयर करेंगे LiCl, NaCl, KCl, RBCl, CaCl, ठीक है, तो क्या होगा हमारा लैटिस, Cl- तो फिक्स, अगर लेंगे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो साइज इंक्रीज करेगा मतलब लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, सिमिलरली Ki, Kbr, KCl, Kf, यहां पर क्या K+ कांस्टेंट है, यहां पर कैटायन कांस्टेंट है, आनायन, ठीक है भाई, कैटायन हो आनायन हो, ठीक है, साइज वेरी करेगा, साइज ज्यादा होगा मतलब हमारा लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। देखो यहां पर क्या, अगर साइज कंपेयर करेंगे ऐसा होगा साइज, तो इसीलिए Kf का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, Kf, KCl, Kbr, Ki, इसको भी स्टार मार्क करके लिखना है, ये भी बहुत बार यही क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी में टू फैक्टर आया, एक होता है चार्ज, एक होता है साइज। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
चार्ज एंड लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज का क्लास में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।